Hello, my dear friends, students, colleagues. Today I'm going to tell you summary of chapter 2. We are not afraid to die if we can all be together. This is of class 11th. And author of this chapter, Gordon Cook and Alan Eastham. Ye kahani hai jo ki author. उसका जो मास्ट होता है उसके बराबर ऊंची ऊंची उनकी लहरें थी। फिर भी इतना संघर्ष वाला वातावरण था, इतना मुश्किल मौसम था, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, फिर भी उन्होंने परिवार के साथ क्रिसमस को बहुत अच्छे ढंग से अपनाया। परिवार के साथ उन्होंने क्रिसमस को बहुत ही मजे के साथ मनाया है। अब धीरे धीरे 2 जनवरी की डेट आ जाती है और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश क्या होता है, एक बहुत बड़ी लहर जो है वो उनके जहाज भी वाटर से टकराती है और नरेटर और उसकी बेटी जो है सुजैन वो घायल हो जाते हैं। तो नरेटर ने अपनी वाइफ मैरी को जो है जहाज का व्हील थमाया और कहा कि इसके डायरेक्शंस को तुम कंट्रोल करो, और वो वेव वॉकर को ठीक करने के लिए जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं कि जो इतनी लंबी लहर है, इतनी बड़ी ऊंची लहर है, उसने क्या क्या तोड़फोड़ की है। तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि जो ये लंबी सी नहर थी, विनाशकारी जो लहर थी, उसने वेव वॉकर को क्षति पहुँचाया। उन्होंने हैंड पंप की मदद से, इलेक्ट्रिक पंप की मदद से जो पानी भर गया था उनके जहाज वेव वॉकर में, उसको बाहर डालने की कोशिश की। और इसी यात्रा के दौरान 2 जनवरी को बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान हो रहे थे क्योंकि उनके जो हैंड पंप्स थे वो ब्लॉक हो गए और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया। और इसी संघर्ष के दौरान पानी को जहाज से बाहर निकालने के दौरान वो रेडियो के जरिए मे डे कॉल्स भी दे रहे थे। मे डे कॉल्स वो होता है जब कोई आपत्ति किसी जहाज में आती है तो वहाँ के यात्रीगण या वहाँ के जो कैप्टन्स होते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं, वो आसपास के जहाजों से कांटेक्ट कर रहे होते हैं मदद के लिए। उस प्रकार की जो कॉल होती है उसको हम मेडे कॉल कहते हैं। 36 आवर्स लगातार उन लोगों ने पानी को बाहर फेंका है और इस प्रकार जो वाटर लेवल था वो थोड़ा जहाज में डाउन हो गया। अब वो देख पाया, नरेटर देख पाए जो है कि मेन रिप का जो फ्रेम है वो टूटा हुआ है कील से, और अब उनको पता चल रहा था कि जहाज जो है बहुत टूट चुका है और बड़ा मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया तक इस जहाज का जाना। तो फिर उन्होंने निर्णय लिया कि 4 जनवरी को उन्होंने फिर सोचा कि हम
वाले हैं। नरेटर ने, ऑथर ने उसको एश्योर किया, उसको सांत्वना दी कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हम सब मिलके इस आपत्ति का सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे, हम सब लोग ठीक रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। और इसके बाद जब उसके बेटे ने जो जवाब दिया वो बहुत ज़्यादा हैरानी वाला था, वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा देने वाला था। उसके बेटे ने कहा, पापा हमें मौत से डर नहीं लगता, अगर हम साथ में हैं तो हमको मरने से भी डर नहीं लगता। अपने बेटे की इस बात को सुनकर जो नरेटर है वो और ज़्यादा मोटिवेट हो गया, इंस्पायर हो गया और संघर्ष वो और ज़्यादा सकारात्मकता के साथ करने लगा। अब हम बात करते हैं 6 जनवरी की, कि जो तूफान है वो थोड़ा कम होने लगा, विंड्स जो है, हवाएं जो है वो भी थोड़ी कम हो रही थी। अब नरेटर जो है चार्ट रूम में काम कर रहा है, वो काम कर रहा है कि किस स्पीड से वो वेव वॉकर को लेके जाए, किस डायरेक्शन में लेके जाए कि जो पास में आइलैंड है एले एम्स्टर्डम जो आइलैंड है वहाँ पर वो पहुँच पाए और शिप की मरम्मत कर पाए और फिर आगे से दोबारा जर्नी को कैरी ऑन कर पाए। जब चार्ट रूम में नरेटर इस प्रकार का कार्य कर रहा था तो उसकी बेटी सुजैन आई और उसके हाथ में एक कार्ड था। उस कार्ड में उसने अपने मम्मी पापा, अपने भाई की फोटो बनाई बेटी का, माता पिता के भाई के प्रति जो प्यार है उसको देख के जो नरेटर है और ज़्यादा एनर्जाइज हुए, मोटिवेट हुए, इंस्पायर हुए कि कुछ भी हो मुझे अपनी फैमिली को बचाना है, मुझे इस आपत्ति की घड़ी से हमें बाहर निकलना है। और 2 बजे की बात है और नरेटर ने लैरी को कहा कि 185 डिग्री ईस्ट की तरफ हम अपने वेव वॉकर को लेके चलेंगे और मुझे उम्मीद है कि आसपास ही हमें एले एम्स्टर्डम जो आइलैंड है वो नज़र आएगा। उसके बाद वो थोड़ी झपकी लेने चले गए जिसको हम नैप कहते हैं, एनएपी नैप। और 6 बजे शाम की बात है सुजैन लौटती हुई आई और उसने अपने पापा को उठाया और पापा को गले लगा के कहा, पापा आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं और सबसे बेस्ट कैप्टन हैं। तो पापा ने कहा, ऐसा क्यों? उसने कहा, पापा हम लोग आइलैंड में पहुँच चुके हैं। तो इस प्रकार नरेटर के संघर्ष से सभी लोगों ने मिलकर काम किया, उन्होंने दिखाया कि एकता में कितना बल है और सकारात्मकता के साथ अगर हम किसी भी चुनौती का सामना करें तो विजय हमारी निश्चित है। तो नरेटर ने एंड में सभी फैमिली मेंबर्स को, मैरी को, अपने बेटे बेटी को और जो क्रू मैन थे उनको भी धन्यवाद किया कि तुम सब लोगों के संघर्ष और साथ की वजह से हम सब लोग इस समरी समझ आई होगी और आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और एग्जाम में इस आंसर को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।